नमस्कार दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स ने एक और भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारी जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कोई बात नहीं, जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है वो मैंने अपडेट कर दी है समझ आया क्या .in वेबसाइट पे, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कर सकता है अप्लाई और ये रैली कहाँ पे होने जा रही है? ये इस बार रैली जो है महाराष्ट्र के अंदर होने जा रही है। तो महाराष्ट्र में आपको ये रैली देखनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका पूरा एड्रेस और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। याद रखना, रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन एयरफोर्स है, इसमें टोटल पोस्टें मेंशन नहीं की होती क्योंकि ये ग्राउंड रैली है। ग्रुप होगा आपका वाई, पोस्ट नेम एयरमैन की है, नॉन टेक्निकल सिक्योरिटी, ओपन रैली है, कोई फीस नहीं, डिफेंस की जॉब। लोकेशन जो होगी वो आपकी ऑल इंडिया होगी जब आपको ये जॉब मिल जाएगी। स्टीफन, खर्चा मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान 14,600, स्टार्टिंग बेसिक पे 26,900, एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा, रिलेशन बेनिफिट मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 14 मई 2018 को होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट एक ही दिन में। 15 मई 2018 को आपका अडैप्टेबिलिटी टेस्ट जो है पहला, दूसरा दोनों होगा, फिर होगा डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। 16 मई आपका रिजर्व डे है। कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों? ज्यादातर इसमें महाराष्ट्र के लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप जरूर विजिट कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये लिंक जैसे कि डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर बात करें एग्जाम के बारे में तो यहां पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पेपर आ जाएगा। रिटन आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। रिटन टाइम जो है आपका 45 मिनट है। रिजल्ट आपका उसी दिन तकरीबन आ जाएगा। सिलेबस आपका इंग्लिश की जो 10+2 की सिलेबस है सीबीएसई के बोर्ड पे, वहां पे आप कर लीजिए उस बेसिस पे। बाकी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। याद रखिए इसकी जो लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 13 अक्टूबर 2018 को मुंबई महाराष्ट्र एयरफोर्स, ये जो है सिलेक्शन सेंटर इनका 6 एयरमैन का, ठीक है। चेस्ट इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग मिलेगी जिसमें 5 मिनट 40 सेकंड, चिन अप होंगे आपके 8, पुशअप्स होंगे आपके मिनिमम 20 और बेंट की जिसे आप कहते हैं उठक बैठक वो भी होंगे 20। क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगी। लेकिन याद रखना 50% मार्क्स जो है ओवरऑल आपके होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें 50% होना बहुत जरूरी है। बाकी में अगर किसी में 40 है, 50 है, 60 है वो चलेगा, ओवरऑल परसेंटेज देखी जाएगी, टोटल 50, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 होने चाहिए। आपका जो सर्टिफिकेट है या तो वो महाराष्ट्र का होना चाहिए या फिर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। एज लिमिट 13 जनवरी 1998 से लेकर 2 जनवरी 2 के बीच में जिनका जन्म आता है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। बस तो यही थी कहानी जो सुनाई है अपनी जुबानी, जल्दी से अप्लाई कर लो। ये रहा लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ये जो मैंने पीडीएफ ओपन की हुई है, इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। बाकी ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से यहाँ पे विजिट कीजिए और जल्दी से डाउनलोड कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जिसने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से जल्दी कर दीजिए और हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम साजन एनालिसिस है।